पूर्णिया के कल्याण छात्रावास के छात्र छात्राओं ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी कुलपति के खिलाफ 8 सूत्री मांगों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। कल्याण छात्रावास के छात्र नेता विक्रम पासवान ने कहा कि जब से पूर्णिया में पूर्णिया यूनिवर्सिटी बनी है तब से लेकर अब तक पूर्णिया यूनिवर्सिटी अपना मनमाना करती आ रही है। एससी एसटी शिक्षक कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा एससी एसटी छात्र छात्राओं से शुल्क नहीं लेना है, लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय शुल्क ले रही है और जो शुल्क ले रही है वो शुल्क अभी तक वापस नहीं किया गया है। और आउटसोर्सिंग के तहत तृतीय वर्ग के कर्मचारी एवं एससी एसटी के एक भी सदस्य को नहीं रखा गया है और आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रिश्तेदारों को रखता है। यह सब बातों को लेकर पूर्णिया कल्याण छात्रावास के छात्र छात्राओं ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के समीप जमकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर पूर्णिया यूनिवर्सिटी यह सबको नजरअंदाज करती है तो हम लोग इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे और इस बाबत हम छात्र छात्राओं ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। समस्या है कि आज हम लोग जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय में गेट के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। जब से पूर्णिया विश्वविद्यालय बनी है तब से जो है लगातार एससी एसटी छात्र एवं यहाँ के एससी एसटी कर्मचारी जो है उसके साथ जो है कि अभद्र व्यवहार करने का काम किया जा रहा है। खास करके एससी एसटी छात्रों का जो है जो उनका हक होता है हक मारने का काम किया जा रहा है। राजभवन का आदेश आया हुआ है कि एससी एसटी छात्र एवं सभी वर्ग के महिलाओं को शुल्क नहीं लेना है, इसके बावजूद भी पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा जो है कि लगातार शुल्क लेने का काम किया जा रहा है, जो कि ये राजभवन का जो है कि उल्लंघन कर रहे हैं, उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। और हम लोग का दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग के तहत तृतीय वर्ग कर्मचारियों में जो है एससी एसटी का जो एक भी कर्मचारी का जो है कि बहाली नहीं किया गया, इसमें जो है कि रोस्टर का पालन बिल्कुल नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है तांती ततवा जो है बिहार सरकार तांती ततवा को जोड़ा गया था, लेकिन इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि तांती ततवा को जो है कि एससी कैटेगरी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और उस पर आदेश भी दिया गया है कि जब तक मामला चल रहा है तब तक जो है कहीं भी सरकारी लाभ इन लोगों को नहीं दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय में लगातार तांती ततवा को जो है एससी कैटेगरी में जो है इसको लाभ देने का काम किया जा रहा है, चाहे वो आउटसोर्सिंग का नौकरी में हो, बहाली में हो, या छात्र का जो है एडमिशन में हो, लगातार जो है सब में जो है उनको जो है लाभ देने का काम किया जा रहा है, जो कि ये संविधान के खिलाफ है और एससी एसटी छात्रों के अधिकार के खिलाफ है। और दूसरा मामला ये है कि जब से यूनिवर्सिटी बना है उसके बाद जो है कि राजभवन का आदेश आया हुआ है और बिहार के प्रत्येक यूनिवर्सिटी में अंबेडकर पीठ की स्थापना की गई है, और यहाँ भी आदेश आया हुआ है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी अंबेडकर पीठ की स्थापना किया जाए। हम लोग भी कई बार जो है हम लोग ज्ञापन दिए हैं, इनसे पहले भी वीसी साहब राजेश सिंह थे, उनको भी हम लोग मांग ज्ञापन दिए थे कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर पीठ की स्थापना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पे जो है अंबेडकर पीठ की स्थापना नहीं की गई है। और जब यूनिवर्सिटी बना तो दिनकर पीठ और कई पीठ हैं जो कि तुरंत यहाँ पे जो है स्थापित हो गया, लेकिन अंबेडकर पीठ स्थापित क्यों नहीं हुआ? ये कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पे जो है हम लोगों के साथ जो है कि भेदभाव किया जा रहा है, अंबेडकर जी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कि संविधान लिखे हैं और सभी वर्ग के जो है कि वर्ग को अधिकार देने का काम किया गया, उनके साथ जो है अवध व्यवहार किया जा रहा है। और
यहाँ पे जो है अतिथि शिक्षक का जो बहाली हुआ था और अभी होने वाला है, बहाली जब हुआ था उसमें जो है रोस्टर का पालन बिल्कुल नहीं किया गया है। इसमें जो है कि एससी का कितना सीट होगा, एसटी का कितना सीट होगा, ओबीसी का कितना होगा, इसमें बिल्कुल जो है रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। और सिर्फ डायरेक्ट जिसका पहुंच था, जिसका पैरवी था, उनको जो है डायरेक्ट ले लिया गया। बिल्कुल तरह से जो है एकदम मनमानी चल रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे जितना भी कमेटी बनता है उसमें जो है एससी एसटी या ओबीसी के कोई आदमी को जो है उस कमेटी में रखने का काम नहीं किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी को लगातार भगवाकरण करने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मंशा लग रहा है उन लोग? ये मंशा यही लग रहा है कि यहाँ पे जो जितने भी पदाधिकारी है सब जो है अपना मनमानी कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार जो है ये कोसी सीमांचल पिछड़ा एरिया है और यहाँ पे जो है दलित एससी एसटी को जो है कि एकदम पीछे करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो है जान रहा है कि ये लोग जो है कि ये लोग का कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, तो ये लोग जो है खुद अपना मनमानी कर रहे हैं। ये करके हम लोग आज जो है यहाँ पे एक दिवसीय धरना पे हम लोग गेट के सामने बैठे हुए थे और रजिस्ट्रार साहब आए, हम लोग उनको जो है कि अपना ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने का टाइम लिया है और उन्होंने बोले हैं कि हम लोग जो है इस पे देखते हैं, ये बहुत ही जो है कि आप लोग हम लोग को जो है ध्यान आकर्षित किए हैं, ये बिल्कुल आप लोग का जायज़ मांग है, इस पे जो हम लोग को बिल्कुल काम करना है, हम लोग जो है आप लोग को काम करेंगे। तो हम लोग भी बोले हैं सर को कि सर इस पे अगर काम नहीं किया जाएगा तो आने वाला समय में हम लोग जो है यहाँ पे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करने का काम करेंगे। मेरा नाम विक्रम पासवान हुआ, छात्र नेता। भी यही मुद्दे के लेकर आए थे। क्या चाहते हैं इसमें क्या होना चाहिए? हम लोग तो यही चाहते थे कि एससी एसटी का कोई भी बहाली अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हुआ हो तो वो रोस्टर के आधार पे हो, जिससे कि एससी एसटी का जितने भी छात्र हैं जिसको बहाली होना चाहिए वो वंचित ना हो। अभी भाई मेन भीसी से हम लोग को मांग करना था कि वो एससी एसटी का छात्रों के साथ, यानी कि वो कोई भी नामांकन शुल्क हो, नामांकन शुल्क तो फ्री है मगर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो बहुत रुपये लिया जाता है, जिसमें हम लोग बहुत कठिनाई होना पड़ता है। हम लोग गाँव घर से आते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार रहते हैं, दिक्कत होता है। सर से मिले तो रजिस्ट्रार सर बोले कि हाँ आप लोग को आश्वासन दिए हैं कि ठीक है देखते हैं हम लोग, तो उस पर विचार किया जाएगा। संविधान के अनुसूची में मूल रूप से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उसके साथ में उनको और पीछे धकेलने का काम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी एकदम लगातार जो है भगवाकरण किया जा रहा है,